हे गाइस, कैसे आप सब। मैं हूँ निखिल और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए फोटोशॉप ट्यूटोरियल में। तो मुझे रिसेंटली रियलाइज़ हुआ कि बहुत टाइम से मैंने एक भी ट्यूटोरियल नहीं अपलोड किया है। थोड़ा सा बिज़ी हो गया था, कुछ घर के कामों में, कुछ सेहत भी थोड़ी सी ख़राब चल रही थी, तो इसी को लेके मैं कुछ ज़्यादा खास काम कर नहीं पाया। बट आज मुझे फाइनली टाइम भी मिला और थोड़ा सा ठीक भी लग रहा है, तो मैंने सोचा आज एक वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर रहा था मैं, तो ये जो वीडियो है ये मैं रात के 3 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई गेस आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, क्योंकि क्या है, हम लोग जब रात को बात करते हैं या रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो आवाज़ में एक अलग सा ठहराव आ जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में, बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट टाइप फील देता है। बट रात को भी ज़्यादा जागना नहीं चाहिए, सेहत के लिए थोड़ा ख़राब हो सकता है। बट अब मेरी कुछ हालात ऐसे चल रहे हैं कि मुझे रात को ही रिकॉर्ड करने का टाइम मिलता है। एनीवेज, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम लोग क्रिएट करेंगे ये बहुत ही कूल लुकिंग और फंकी लुकिंग यूआई डिज़ाइन फोटोशॉप यूज़ करके। अगर आप चाहो तो फिग्मा में भी इसे क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी टेक्निक्स हम लोग यूज़ करेंगे इसे बनाने के लिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले मेक श्योर करें कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि मैं बहुत सारे फोटोशॉप और फिग्मा ट्यूटोरियल्स लेके आने वाला हूँ और शायद तक प्रीमियर प्रो के भी ट्यूटोरियल्स में स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब्ड हो इस चैनल से। तो अब इसी के साथ चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पर है हम लोग फोटोशॉप में, स्टार्ट करते हैं क्रिएट करके एक न्यू डॉक्यूमेंट। इसे नाम दे दूंगा मैं UI डिज़ाइन विद, रखेंगे 1440 और हाइट 1024, 300 रिजोल्यूशन, RGB कलर मोड और 8-bit। क्लिक करूँगा क्रिएट पर, इससे ये एक न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट कर लेगा। फिर मैं सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर ऐड करूँगा, तो यहाँ मैं सिंपली जाके ऐड करूँगा एक सॉलिड कलर, और हम कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, डजेंट रियली मैटर, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर जो है वो एक ग्रेडियंट ऐड करने वाले हैं। तो मैं जाऊँगा एफएक्स में, ऐड करूँगा एक ग्रेडियंट ओवरले, और इसने ऑलरेडी वो ओवरले ले लिया है जो मैंने पिछले डिज़ाइन में यूज़ किया था। तो इससे मैं हल्का सा चेंज करूँगा जो कलर है येलो का, इसे हल्का सा हम सैचुरेटेड बना देंगे, और इससे मैं कर दूंगा हल्का सा डार्क। अगर आप चाहो तो एग्जैक्टली सेम कलर्स भी ले सकते हो जो मैं इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में ले रहा हूँ, बट मेक श्योर करें कि आप जो भी कलर लो वो आपके प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ जो आप अपने डिज़ाइन में डालने वाले हो उसके साथ कंपैटिबल हो, बिकॉज कलर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी डिज़ाइन को जोड़ने या तोड़ने के लिए। और मैं कलर थियोरी पर एक कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हो, तो सब्सक्राइब कर लो अभी अगर आपने नहीं किया है। ओके, तो इसके बाद मैं क्रिएट करूँगा कुछ रैंडम शेप्स। सो उन शेप्स को क्रिएट करने के लिए मैं सेलेक्ट करूँगा कर्वेचर पेन टूल, और मेक श्योर करना है कि ये शेप पर हो, पाथ पर नहीं हो। और मैं बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट वे में जो है वो शेप्स इस तरीके से बना दूंगा। फिर मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे एडजस्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, एंड आई थिंक ये थोड़ा सा एक साइड में चले गया है, तो इसे मैं यहाँ पर इस तरीके से मूव कर लूँगा। ऑल राइट, सिलेक्ट करेंगे फिर से कर्वेचर टूल, और यहाँ पर मैं बनाऊँगा हमारा जो सेकेंड शेप है। और कलर्स ऐड करने के लिए मैंने कलर कोड्स ऑलरेडी नोट डाउन करके रखे हुए हैं यहाँ पर, तो मैं वही सेम कलर कोड्स यूज़ करूँगा। अगर आप चाहो तो आप अलग अलग कलर्स जो है वो ले सकते हो। तो डार्कर कलर टोन के लिए मैं यूज़ करूँगा ये पर्पल का शेड, सो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा हमारे शेप लेयर को, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा कलर कोड्स को इन दोनों ही शेप्स में कुछ इस तरीके से। एंड फिर मैं ऐड करूँगा हमारे इमेजेस, तो यहाँ पर है मेरे पास ये शू का इमेज। अब बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि मैं ये जो PNG इमेजेस होते हैं हाई रिजोल्यूशन वो कहाँ से डाउनलोड करता हूँ। स्पेसिफिकली अगर मैं शूज़ की बात करूँ, तो आप कोई भी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि इन दिस केस नाइके के शूज़ में यूज़ कर रहा हूँ या नाइकी की शूज़ में यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाता हूँ और वहाँ पर जो शूज़ है उसका इमेज को मैं डाउनलोड करता हूँ और पेन टूल लेके मैं उसे कटआउट कर देता हूँ। ठीक है, इट्स दैट सिंपल। तो
बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको बहुत ही हाई रेज HD शूज़ का जो इमेज या कोई भी प्रोडक्ट जो आप लेना चाहते हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वेबसाइट पे जाके आप उसका इमेज डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब ऐड करते हैं कुछ शेडोज जिससे इसमें और डेप्थ आ जाए। तो ऐड करने के लिए मैं जाऊँगा FX में और ऐड करेंगे एक ड्रॉप शेडो। ओपेसिटी रखेंगे 100 पर और जो भी हमारा कलर होगा ना उसका एक डार्कर टोन हम ले लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। डिस्टेंस को 100 पे रखेंगे और साइज़ को रखेंगे 200 पर, जो कि काफ़ी सही लग रहा है मुझे। और हल्की सी नॉइज़ ऐड कर दूंगा 2% की, प्रेस करेंगे ओके पर। और फिर मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, जाऊंगा फिल्टर में और ऐड करेंगे हल्का सा शार्पन, तो इससे काफ़ी शार्प लुक हमें मिल जाएगी जो कि दिखने में काफ़ी सही लग रहा है। अब मैं सेलेक्ट करूंगा टेक्स्ट टूल और ये जो शूज़ का नाम है वो है लेब्रॉन एडिशन, सो लेब्रॉन में टाइप कर लेता हूँ। और इस टेक्स्ट को हम यूज़ करेंगे एज अ डिज़ाइन एलिमेंट, सो जो फॉन्ट लूँगा मैं इसके लिए वो होगा टैक्टाइल। ये एक पेड फॉन्ट है बट आप कोई भी अगर अल्टरनेटिव लेना चाहो तो वो ले सकते हो। इसका मैं लूँगा इटैलिक वर्जन, सॉरी टैक्टिक नाम है नॉट टैक्टाइल। स्पेसिंग अब मैं 0 पे रख दूँगा और फिर इसे मैं प्लेस कर दूँगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और एक्चुअली मैं इसे नाम दे दूंगा लेब्रॉन लेकर्स और जो स्पेसिंग है वो हम बढ़ा देंगे, तो ये काफी मुझे सही लग रहा है। ऑल्ट होल्ड करूंगा क्लिक एंड ड्रैग करके डुप्लीकेट बना लेंगे कुछ ऐसे, और एक बार एंड वन मोर टाइम। ठीक है, सबको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके कर दूंगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। फिर जाएंगे एफएक्स में, ऐड करेंगे स्ट्रोक और यही मैं येलो कलर लूँगा जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिया हुआ है, या तो इसका एक हल्का सा सैचुरेटेड टोन वो जो है ले लूँगा। साइज़ रखूँगा 2 पे, प्रेस करेंगे ओके और जो फिल है उसे मैं सेट कर दूँगा 0 पे। फिर इसे मैं प्लेस कर दूँगा शूज़ के नीचे कुछ इस तरीके से। और आई थिंक मुझे कलर इसमें मैं चेंज करूँगा स्ट्रोक का, येलो मुझे इतना सही नहीं लग रहा है तो ले लेंगे वाइट कलर, आई थिंक दैट लुक्स मच बेटर। ओके, सो स्ट्रोक ऐड करने के बाद हमें एक्चुअली इसे और एक बार कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है वो करना पड़ेगा। फिर हम ऐड करेंगे एक लेयर मास्क और फिर मैं बी प्रेस करूँगा और यहाँ से इस तरीके से इसे इरेज कर दूँगा कुछ ऐसे, तो जो है वो एक हल्की सी डेप्थ जो है वो आ जाएगी सीन में। ओके, सो दिस इज लुकिंग वेरी नाइस। और फिर इस शेप को, एक्चुअली इसको मैं इस शेप के नीचे रख दूंगा कुछ ऐसे और इस शेप को यहाँ पर कुछ ऐसे, तो ये काफ़ी एक सही लुक हमें मिल जाता है। तो क्विकली हम लोग टेक्स्ट भी जो है वो ऐड कर देते हैं यहाँ पर, जो टेक्स्ट था इस शूज़ का, जो मेन नाम है शूज़ का वो है नाइके लेब्रॉन 8 लेकर्स एडिशन लेकर्स स्नीकर्स। ओके, फिर जो स्पेसिंग है उसे हम थोड़ी सी एडजस्ट कर लेंगे कुछ ऐसे एंड सेकंड टेक्स्ट को मैं कर लूँगा येलो कलर। सो मैं अच्छा सा एक कॉन्ट्रास्ट जो है वो मिल जाएगा यहाँ पर। फिर ऐड करेंगे इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसे मैं ऐड करूँगा, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, सिंपली मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूँगा और मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा ताकि मैं एरिया स्पेसिफाई करूँ कि इतने एरिया में ही मुझे टेक्स्ट ऐड करना है। कंट्रोल वी करूँगा पेस्ट करने के लिए और इसे मैं वाइट ही रखूँगा। फॉन्ट जो मैं लूँगा वो होगा एकदम क्लासिक रोबोटो, सो प्रॉब्ली रेगुलर या लाइट सही रहेगा, मेरे ख्याल से रेगुलर सही रहेगा। एंड इसका जो साइज़ है वो मैं काफ़ी कम रखूँगा, अराउंड 4 पे सही लग रहा है। एंड जो स्पेसिंग है उसे भी मैं हल्की सी इस तरीके से एडजस्ट कर लूँगा, तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। शूज़ आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पर मूव कर लेंगे, ब्रीदिंग रूम यहाँ पर देना बहुत ज़रूरी है डिज़ाइन में, इस शेप को मैं हल्का सा ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, और फिर फाइनली ऐड करेंगे जो प्राइस है इस शूज़ की, तो वो होगा 259 द
डॉलर्स से प्लेस कर देंगे और फिर ऐड करेंगे एक ऐड टू कार्ट का बटन भी। एंड फिर यहाँ पर जाकर मैं सेलेक्ट करूँगा रेक्टेंगल टूल, ऐड करेंगे शिफ्ट स्ट्रोक अराउंड 3 pixels का, और फिल हमें नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इसे नन पे सेट कर दूंगा, और स्ट्रोक मुझे चाहिए येलो कलर का। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से एक शेप जो है वो बना लूँगा, जूम इन कर लेते हैं और सेलेक्ट करके यहाँ पर मूव कर लेंगे, एंड देन मैं इसे कर दूंगा राउंडेड कुछ ऐसे, एंड बूम हमारा बटन जो है वो भी रेडी हो चुका है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं इसको इन कुछ लेयर्स को जो है वो लॉक कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसे सेलेक्ट कर सकूँ इजीली और प्रॉपरली अलाइन कर देंगे। सही लग रहा है, कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इसे एक्चुअली थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ कुछ ऐसे। ऑलराइट, सो दैट इज़ लुकिंग नाइस। एंड फाइनली जो वेबसाइट के मेन्यू टैब्स होते हैं वो भी मैं ऐड कर दूंगा। तो टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे, टाइप इन करेंगे सबसे पहला टैब जो कि है होम, साइज़ हम लोग ले लेंगे अराउंड 3 या 4, 3 ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, 4 सही है। तीनों को सेलेक्ट करके प्रॉपरली अलाइन कर देंगे और मैं यहाँ पर इन्हें मूव कर दूंगा कुछ ऐसे। एंड फाइनली हम लोग ऐड करेंगे नाइकी का लोगो, क्योंकि ऑब्वियसली जो ब्रांड की आप वेबसाइट बना रहे हो उस ब्रांड का लोगो होना बहुत ज़रूरी है। जाएंगे इफेक्ट्स में और ऐड करेंगे एक कलर ओवरले, क्योंकि मैं इसे देना चाहता हूँ एक वाइट या तो येलो कलर सही लगेगा। यस, येलो के साथ ही जाते हैं। एंड यस, एंड फिर हम क्या करेंगे, इन शेप्स को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे लॉक करके रखा हुआ है, इसे सिलेक्ट करूँगा, इफेक्ट्स में जाऊँगा और ऐड करूँगा एक इनर शेडो, ठीक है। ओपेसिटी पूरी तरीके से 100, डिस्टेंस 0 पे रखेंगे, साइज़ को हम लोग बढ़ा देंगे कुछ ऐसे, एंड फिर धीरे धीरे ओपेसिटी को कम करेंगे, एंड ऐड करेंगे एक नॉइज़ अराउंड 2-3% का, और फिर इस इफेक्ट को मैं ऑल्ट होल्ड करके इस दूसरे शेप पर भी ऐड ऑन कर दूंगा। तो एक काफ़ी अच्छी और जो है वो डेप्थ क्रिएट हो रही है, काफ़ी फ्लैट नहीं लग रहा है हमारा डिज़ाइन, जो कि इट्स वेरी नाइस। एंड अब फाइनली हम लोग ऐड करेंगे कुछ एलिमेंट्स टू हाईलाइट द कंप्लीट डिज़ाइन एंड मेक इट मोर प्रेजेंटेबल। तो उसे क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ शेप्स ऐड कर रहा हूँ, आप चाहो तो अल्फाबेट्स या कोई भी और चीज़ अपने मन से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्रिएट करूँगा एक सर्कल कुछ इस तरीके से, जाएंगे इफेक्ट्स में और ऐड करेंगे ग्रेडियंट ओवरले, और हम लोग वही ग्रेडियंट लेंगे जो हमने इस पर्टिकुलर येलो शेप के लिए लिया था। फिर जाएंगे इसके अंदर, क्लिक करेंगे एक नया पॉइंट ऐड करने के लिए, फिर इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और बहुत ही हल्का टोन वाला जो येलो है उसे सेलेक्ट कर देंगे, और इसे मैं रोटेट कर दूंगा कुछ ऐसे। तो एक बहुत ही डेप्थ के साथ जो है वो एक सर्कल हमें मिल जाता है, एज यू कैन सी यहाँ पर। सो ये काफ़ी सही लग रहा है, एंड फिर बस हमें इसे जहाँ भी चाहूँ वहाँ पर इसे प्लेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ऑल्ट ड्रैग करके, क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पर प्लेस कर दूंगा और फिर इसे छोटा कर दूंगा कुछ ऐसे। फिर मैं एक ऐड कर दूंगा यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लग रहा है आई थिंक। ऑलराइट, और फिर एक ऐड करूँगा यहाँ पर, एंड फाइनली इन सभी को ब्लेंड करने के लिए, सबसे पहले तो इस शूज़ को ब्लेंड करने के लिए थोड़ा और मैं ऐड करूँगा एक एक फोटो फिल्टर ऐड कर लेते हैं, और फिर इसे राइट क्लिक करके मैं क्लिप मास्क कर दूंगा, फिर सेलेक्ट करूंगा एक अच्छा सा येलो टोनिश कलर और हल्का सा टोन मैं ऐड करूंगा, बहुत ही हल्का सा एडजस्टमेंट है, बट आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो शूज़ है वो और भी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है जैसे मैं इसे ऑन कर देता हूँ। एंड ये रेडी हो चुका है हमारा कंप्लीट UI डिज़ाइन इस शूज़ को लेके। सो ये था आज का ट्यूटोरियल, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो इसकी फ्री प्रोजेक्ट फाइल तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, इमेज भी उसमें इंक्लूडेड है और फॉन्ट्स भी, तो मेक श्योर करें आप इसे डाउनलोड करें, अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आप कहीं पर भी सोशल मीडिया पर इसे अपलोड करते हो तो मुझे टैग ज़रूर करें। एंड या दैट इज़ ऑल, अगर आप मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो dope.motions निखिल पवार, और dope setup bro मेरा नया इंस्टाग्राम पेज है तो उसे फॉलो ज़रूर करें। एंड इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट।